के करीब जाएं बेहतर है। इस वक्त रेलवे की परीक्षा देने वाले 47 लाख छात्रों में हाहाकार मचा हुआ है। इस 9 अगस्त से पदों के 26,000 से अधिक पदों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के 26,502 पदों की परीक्षा होने जा रही है और पूरे अगस्त के महीने में परीक्षा चलेगी। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जब डाउनलोड हुआ, जब अभी छात्र डाउनलोड कर रहे हैं, तब उनके होश उड़ रहे हैं कि परीक्षा का केंद्र 1000 से 1500 किलोमीटर है। सोचिए, सारण से, सिवान से कोई बेंगलोर कैसे जाएगा, छपरा से कोई हैदराबाद कैसे जाएगा। बिहार के कटिहार के छात्रों को मोहाली जाना पड़ेगा, आरा के छात्रों को भुवनेश्वर और हैदराबाद और बक्सर के छात्रों को चेन्नई। आपको लगेगा कि यह सामान्य बात है, थोड़ा इंतजार कीजिए। रेल मंत्री को छात्र लगातार ट्वीट कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि मैं राजस्थान का छात्र हूं, अमृतसर सेंटर पड़ गया है, क्या 50 किलोमीटर दूर के दायरे में परीक्षा नहीं हो सकती थी। बिहार के कटिहार से एक परीक्षार्थी ने रेल मंत्री को ट्वीट किया है कि उसका सेंटर मोहाली पड़ा है, वहां से चंडीगढ़ के लिए हफ्ते में एक दिन ट्रेन जाती है, अगर परीक्षा से 4 दिन पहले चलेगी तो 4 दिन पहले निकलना होगा या फिर ट्रेन बदलकर मोहाली पहुंचना पड़ेगा जिसका खर्चा बढ़ जाएगा। कटिहार से मोहाली का एक तरफ का किराया 620 रुपए का है, वापसी का टिकट नहीं मिल रहा है, वहां रहने का अलग खर्चा होगा, रेलवे की टाइमिंग का भरोसा नहीं, इसलिए 2-3 दिन पहले निकलना होगा। ये सब खर्चे और समय का हिसाब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्यों नहीं किया? क्या इसलिए किया गया ताकि बड़ी संख्या में छात्र पहुंच ही ना सके और उनकी परीक्षा छूट जाए? आरा से एक छात्र ने बताया कि उसका सेंटर भुवनेश्वर है, उसे पहले हावड़ा जाना होगा और वहां से भुवनेश्वर किराए का पैसा बचाने के लिए वापसी का टिकट भी लेना है, ठहरने का खर्चा 2-3 हजार हो जाएगा। अंशु ने रेल मंत्री को टैग किया कि सर, मैं बिहार का छात्र हूं, मेरा ALP असिस्टेंट लोको पायलट का सेंटर हैदराबाद पड़ा है, आने जाने का खर्चा 1500 है। ये सभी छात्र जनरल के किराए की बात कर रहे हैं, साधारण घरों के लड़के लड़कियां हैं। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर इम्तहान के केंद्र देने का क्या मतलब है? रेलवे परीक्षार्थियों में हाहाकार मचा हुआ है। रेल मंत्री ध्यान नहीं दे सकते तो प्रधानमंत्री को तुरंत इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अभय चौधरी ने लिखा है कि पटना के छात्र का सेंटर जबलपुर पड़ा है, 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे। बात खर्च की भी नहीं है, किसी को टिकट नहीं मिल रहा ये बात भी है। जनरल बोगी में लदा फदा कर जाएंगे तो इम्तहान देने की क्या हालत होगी, ये कैसे देंगे? संजीत कुमार ने लिखा है कि सर, मेरा सेंटर मध्य प्रदेश के सागौर में पड़ा है, बिहार से सिर्फ एक ट्रेन जाती है 13423, वो भी हफ्ते में एक बार, कम से कम मेरी परीक्षा की तारीख तो उसके हिसाब से हो। मणिरत्नम तिवारी ने ट्वीट किया है कि विद्यार्थियों के साथ धोखा मत कीजिए, पैसे के अभाव में मैं एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि बिहार के भागलपुर में रहने वाले विद्यार्थियों का सेंटर मोहाली दे दिया गया है, 400 रुपए रख लीजिए जो इम्तहान के समय लिया गया था और जो वादा किया गया है कि लौटा दिया जाएगा, छात्र उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तिवारी जी ने लिखा है कि गरीब का खून चूसकर आप ये पैसा रख लीजिए। सनी सिंह ने ट्वीट किया है कि सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर ये क्या सर, परीक्षा दे नहीं सकते, दूसरे राज्य में 3000 खर्च नहीं कर सकते, सर मेरी मेहनत और सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा, दूसरे राज्य सर नहीं संभव पाएगा। संतोष सिंह का ट्वीट है कि माननीय रेल मंत्री जी, बेरोजगारों के साथ यह कैसा अन्याय है, पहले फॉर्म के 500 और अब परीक्षा देने के 4000 का खर्च, मंत्री जी पैसा ना लौटाना पड़े इसलिए परीक्षा के लिए केंद्र 1500 किलोमीटर दूर, वाह मंत्री जी वाह। रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को इन छात्रों की बात पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ बिहार के छात्र नहीं है, ठीक है कि उन्होंने मुझे ज्यादा बता दिया, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र, उन्नाव के छात्र भी परेशान है, राजस्थान के छात्र भी परेशान है और ये वाकई साधारण परिवारों के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप ठेला चलाते हैं तो किसी के माँ बाप कलकत्ता में गोलगप्पा बेचते हैं, किसी के माँ बाप माँ पिताजी नहीं है। अभी एक लड़के से बात हो रही थी, मैंने कहा कि दिल्ली में लोग समझते हैं कि 2000-3000 रुपए आपके पास होंगे कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले कुछ ज्यादा अमीर हो गए हैं, मैं छपरा में रहता हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे लिए 3000 बहुत है। ऐसे परिवारों के बच्चों को 2-3 हजार का खर्चा लाद कर अपने जिले से चेन्नई जाना पड़े, मोहाली जाना पड़े, हैदराबाद जाना पड़े, ये ज्यादती है। फिर ऑनलाइन का क्या मतलब होता है? क्या ऑनलाइन का मतलब यही होता है ना कि आप जहां हैं घर से ना निकले, जूता खरीद लें, आटा खरीद लें, ये ऑनलाइन होता है? या ऑनलाइन के लिए आप कंप्यूटर का इम्तहान देने के लिए 1500 किलोमीटर जाएंगे? ये किस विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन का मतलब 2000 किलोमीटर जाना है? यूपी का सोनभद्र बेहद गरीब इलाका है, यहाँ के छात्र का सेंटर मोहाली पड़ेगा तो वो 1500 से 2000 रुपए का खर्च नहीं उठा सकेगा। इस तरह से सोचना चाहिए कि इधर उधर सेंटर देने का क्या मतलब है, ऑनलाइन का क्या मतलब है। कुछ लड़के ने तो लिखा है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो या तो बिहार के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री इन सभी छात्रों को 2-2 हजार रुपए दें अपनी तरफ से, या फिर वे रेल मंत्री से बात करें कि गरीब छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है।
एक छात्र आरा से हैदराबाद जा रहा है, उसे 3000 का खर्च आ रहा है। छात्र बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, 9 अगस्त से परीक्षा शुरू होनी है, अगर राज्यों के मुख्यमंत्री रेल मंत्री से बात कर इन छात्रों का किराया मुफ्त करवा दें, फ्री करवा दें, तो मैं वादा करता हूं कि मैं इसका बिल्कुल श्रेय नहीं लूंगा, बल्कि मैं इसका श्रेय उन्हीं लोगों को दे दूंगा कि इससे वाकई गरीब छात्रों को मुसीबत है। एक गरीब छात्र की परीक्षा नहीं छूटनी चाहिए। आप यकीन कीजिए, इन्हें दिक्कत ना होती तो ये नहीं लिखते, ये रो नहीं रहे होते। बहुत से छात्रों का छूट जाएगा। 4-4 साल ये मेहनत से इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि परीक्षा होगी और देंगे और नौकरी।